हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लेमिंगो का थर्ड पोयम कीपिंग क्वाइट पढ़ाया था। उसके मैंने फर्स्ट थ्री स्टेंजास आप लोग को कंप्लीट कराए थे। आप लोगों ने उसको रिवाइज किया, गो थ्रू हुए उससे, वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम पोयम। विच पोयम? कीपिंग क्वाइट। विच पोयम? कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। तो आज हम बेटा इसका फोर्थ स्टैंजा पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फोर्थ स्टैंजा। व्हाट इज देयर? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। बेटा देखो, अब मैंने जैसा कि कल डिस्कस किया था आप लोग से लास्ट लेक्चर में, कि यहाँ पर पोएट ने किस चीज पे एम्फोसिस किया है। नंबर वन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन एंड पीस। ठीक है, किस पे? पीस एंड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो यहाँ पर पोएट फिर से कह रहा है, आपने देखा होगा कि आज हमारे पूरे विश्व में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा है। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हैं। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से आते हैं कि हम उस पे विजय प्राप्त कर लें। वी आर गोइंग टू जस्ट विन दैट पर्टिकुलर कंट्री और वी आर जस्ट गोइंग टू ओवर टेक दैट पार्ट ऑफ दैट कंट्री। हम उसको हथियाना चाहते हैं, उसको अजर्व करना चाहते हैं, अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेटा उसके लिए क्या कह रहा है पोएट, कि जब हम लड़ाई करते हैं तो लड़ाई हम किस चीज से करते हैं? डेफिनेटली हम वेपन्स यूज करते हैं। जब आप वेपन्स यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली फायर, गैस, ये सारी चीजें रिलीज होंगी और उससे क्या है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट पे उसका साइड इफेक्ट होता है। एनवायरमेंट हमारा क्या है, उससे प्रभावित होता है। तो उसी लिए पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान देंगे बेटा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, यानी वो लोग जो कि किस चीज के लिए, थोड़ा सा किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एनवायरमेंट को थोड़ा सा क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं जब वो लड़ाई करते हैं। तो इसीलिए पोएट क्या कह रहा है, दैट ऑल काइंड ऑफ वॉर मस्ट बी स्टॉप्ड एट वंस। वी वॉन्ट द टर्मिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वॉर, कि किसी तरह की जो भी लड़ाई हो रही है वो तुरंत खत्म हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वॉर के जो दुष्परिणाम है वो हम सबको फेस करने पड़ते हैं। अगर कोई, सपोज ए एंड बी, टू पार्टीज आर फाइटिंग, उसमें अगर एक पार्टी जीत भी जाती है तो क्या हुआ, उसने भी कुछ अपने नियर एंड डियर खोए, और जीतने के बावजूद भी जहां वो, जिस प्लेनेट पे वो रह रहा है उसके लिए लिविंग कंडीशन ही उसके लिए फेवरेबल नहीं रह गई। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वी शुड जस्ट स्टॉप सच ग्रीन वॉर, बिकॉज दिस ग्रीन वॉर इज अगेंस्ट द एनवायरमेंट, वॉर इज विथ पॉइजनस गैस। हमारे जो वॉर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉर इज विथ पॉइजनस गैस। इसमें हम क्या है, फायर आर्म्स यूज कर रहे हैं, बॉम्ब यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। यहाँ पर अब पोएट क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में जब हम लड़ाई भी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर कोई जीत भी जाता है तो दैट विक्ट्री इज मीनिंगलेस, एज देयर आर नो सर्वाइवर लेफ्ट आफ्टर द वॉर, क्योंकि उसके बाद कोई भी सर्वाइवर बचता ही नहीं है उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए। सो व्हाट ही इज सेइंग, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, इंस्टेड ऑफ हैविंग बैटल, वी शुड जस्ट, ऑल द पीपल शुड जस्ट कम आउट इन देयर क्लीन क्लोथ्स, वो अपने साफ सुथरे नए कपड़ों में वापस आए। अब बेटा एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट थिंग दैट दिस क्लीन क्लोथ इज मेंशन हियर। ये क्लीन क्लोथ किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दिस क्लीन क्लोथ इज जस्ट पॉइंटिंग आउट टू द न्यू बिगिनिंग, कि हम नई शुरुआत करें। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज के लिए नई शुरुआत करते हैं, न्यू बिगनिंग होती है, कोई फेस्टिव सीजन होता है, तो हम क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं।
तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे न्यू क्लोथ्स और किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं बेटा, न्यू बिगनिंग को। और जो लड़ाई झगड़े में हमारे जो स्टेन्ड क्लोथ्स हो गए हैं, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो उसपे क्या है, ब्लड के स्पॉट्स आ गए, स्टेन्ड क्लोथ्स हो गए, उसको रिमूव कर दे, ठीक है ना, ताकि हम एक नए थॉट, नए आइडियाज, नई बिगनिंग के साथ आगे बढ़े। सो दिस क्लीन क्लोथ्स इज पॉइंटिंग आउट टू द जस्ट वी आर गोइंग टू ब्रश आउट ऑल द यू कैन से स्टेन्स ऑफ ब्लड, और यू कैन से वी आर जस्ट गोइंग टू थ्रोन अवे दैट क्लोथ विच इज कम्प्लीटली स्टेन एंड विच इज हैविंग द यू कैन से स्टेन ऑफ ब्लड ऑफ अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ वी आर गोइंग टू पुट ऑन न्यू क्लोथ विच इज गोइंग टू इंडिकेट अबाउट द न्यू बिगनिंग एंड न्यू आइडियाज एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। एंड वॉट ही इज सेइंग दैट वी मस्ट गो आउट एंड वॉक विद देयर ब्रदर, वी मस्ट मूव अंडर द शेडी ट्रीज। किसके अंडर द शेडी ट्रीज, इट मीन्स ही इज जस्ट requesting that the entire world is going to be that hatred free from the hatred feeling and they are going to spend a very calm life। वो बहुत शांत जीवन सब लोग मिलकर व्यतीत करें, किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो, किसी तरह की कोई grievances ना हो, किसी तरह का कोई competition। अब कंपटीशन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में, कि बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचा कर भी आगे बढ़ने की होड़ ना हो। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? सो लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हाट इज सेइंग इन द शेड डूइंग नथिंग, ये मैंने यहां तक क्लियर कर दिया। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया कि यानी कि वो इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं यानी अपने आप को किसी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में वे एंगेज नहीं करेंगे, वो शेड में, छाया में बहुत ही बिल्कुल पीस के साथ, कामनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं जब वो कुछ करेंगे ही नहीं, तो व्हाट द पोएट इज सेइंग, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। समझ में आया कि वो कह रहा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप मिसअंडरस्टैंड ना करें, उसको आप जो भी मैं, द पोएट डजंट वॉन्ट दैट वी शुड जस्ट कंफ्यूज विद दिस स्टिलनेस। He don't want that this total inactivity was should be misunderstood. Doing nothing at all would just अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, doing nothing doesn't means that he is talking about death. कि कुछ नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि वो death के बारे में बात कर रहा है। What is it? Life is what it is about. I want no truck with death. तो वो क्या कह रहा है कि देखो बेटा, जिंदगी चलने का ही नाम है, आगे बढ़ने का ही नाम है, हमें जिंदगी में आगे ही बढ़ना है, मूवमेंट में रहना है। लेकिन उस मूवमेंट को क्या हम थोड़ी देर के लिए पॉज करके अपने आप को रेस्ट नहीं दे सकते? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आपने देखा होगा कि आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे काम करके जब आप थक जाते हैं और उसके बाद भी कोई आपसे कहे और करो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं एक आप 100% नहीं दे पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और अपने, जिसे कह सकते हैं कि दोबारा से अपनी उस एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं, क्योंकि जब आप रेस्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली किसी भी चीज को रेस्ट जरूर चाहिए। तो वही पोएट कह रहा है कि जब हम रेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली क्या है, हम अपने आप को रिचार्ज कर पाते हैं, हम अपने आप को दोबारा से चार्ज करके फिर से पूरी एक्टिव एनर्जी के साथ पूरे एक्टिव हो पाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि लाइफ का मतलब एक्चुअली एक्टिवनेस है, लाइफ का मतलब ही हमें मूव ऑन करना है, बट ही इज जस्ट सेइंग टू जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। अब उस रेस्ट में क्या हमें क्या कहने को कह रहा है कि जब हम रेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। जब आपने देखा होगा हम कोई भी काम करने से पहले थोड़ी देर पहले सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होती है। क्यों फ्रूटफुल होती है? क्योंकि हमें तब सही गलत का पता चल जाता है, हम राइट और रॉन्ग को एनालाइज कर पाते हैं, हम अपने एक्शंस को समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टेंशन विद एवरी वन, और अगर हम उस टेंशन में ही आगे बढ़ते चले जाए तो
तो शायद हमारा वो वर्क उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा. सो व्हाट इज सेइंग दैट अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अ लॉट ऑफ गुड टू अस. देखो आगे बढ़ते हैं. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इस आइडिया को लेकर सिंगल माइंडेड नहीं है, हमें अपने जैसे हमें अपने एक्शंस क्लियर नहीं है, हमें ये नहीं पता कि नहीं हमें हमें कितना, इफ वी विल नॉट बी सो सिंगल माइंडेड इट मींस हम वॉर को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी अदर एक्शंस को लेकर हम नहीं सोचते, एनालाइज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वॉट. और हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही भगाए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या है, हमें उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा. अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं बैठेंगे, बिकॉज परहैप्स वे आर वेना यू साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. शायद थोड़ी देर की शांति, इफ वी आर गोइंग टू बी साइलेंट फॉर अ वाइल, इट इज गोइंग टू इंटरप्ट, इट इज गोइंग टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ. और वो सैडनेस क्या है, दैट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, आवर एक्शंस, आवर ओन विशेस, आवर ओन आइडियाज एंड थॉट. हम एनालाइज ही नहीं कर पाते कि बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है. हम जब आपने देखा होगा कि हम कोई चीज हमें चाहिए और हम उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं और वो हमें मिल गई, थोड़ी देर बाद लगता है कि ये बेकार कर दिया. तो यानी कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड से कर रहे हैं, और हमने उसको कुछ ज्यादा हार्श बोल दिया कि, तो वो क्या है, वो डेफिनेटली वो हर्ट हो जाएगी और बाद में हमें लगेगा कि ये तो चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, और फिर हम उस चीज के साथ सेटिस्फाई भी नहीं हो पाते. तो इट मीन्स हर कोई भी बात करने से, कोई भी एक्शन लेने से पहले अगर हम उसके बारे में सोच लें, उसके रिपरकशंस के बारे में सोच लें, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोच लें, तो डेफिनेटली हमें पछताना नहीं पड़ेगा. वी विल नॉट रिपेंट अबाउट द सेम थिंग. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शायद अगर हम थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, तो परहैप्स दैट साइलेंस इज गोइंग टू, परहैप्स दैट ह्यूज साइलेंस इज गोइंग टू इंटरप्ट दिस सैडनेस, विच सैडनेस नाउ ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ. कि हम जो जिंदगी भर अपने आप को नहीं समझ पाते, किस चीज को नहीं समझ पाते कि बेसिकली हम क्या चाहते हैं, एंड हमेशा किस चीज से डरते रहते हैं, हमारी जिंदगी का एक एक पल किस डर से बीतता है, मौत के डर से. तो वी कैन जस्ट सूद आवरसेल्व बाय हैविंग दैट लॉन्ग साइलेंस. और ये लॉन्ग साइलेंस यहाँ क्या है बेटा, इंट्रोस्पेक्शन. व्हाट ही वांट्स टू इंटरप्ट द सैडनेस. ओके, क्यों, क्योंकि लाइफ के बारे में क्या है, हमारी लाइफ में मूवमेंट को वो रोकना नहीं चाहता, बिकॉज एक्टिविटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ आवर लाइफ. एक्टिविटी यानी कि बीइंग एक्टिव मींस वी आर अलाइव. तो यहाँ पर वो हमें इनएक्टिव होने से साथ साथ वो क्या कह रहा है, यहाँ जो वर्ड इनएक्टिव है दैट इज शोइंग टू आवर इंट्रोस्पेक्शन. क्योंकि जो अगर थोड़ी देर की इनएक्टिविटी हमारे एक्शन को करेक्ट कर सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसको और प्रोडक्टिव कर सकती है, वो और भी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है. अब इस बात को उसने किस तरह से समझाया है, इस बात को समझाने के लिए उसने एक एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल किसका दिया है बेटा, अर्थ का. सो बेटा इन विंटर्स एज यू हैव सीन दैट एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर्स. हैव यू एवर नोटिस, आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं तो पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, एक अलग सी वीरानगी होती है. तो इसी तरह से दैट इज द टाइम देन व्हेन अर्थ आल्सो टेक्स सम टाइम टू जस्ट थिंक अबाउट द न्यू स्टेप्स. यानी कि यहाँ पे अर्थ किस न्यू स्टेप्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट सीम्स डेड बट इनसाइड इट इज प्रोडक्टिव, इट इज जस्ट रीगेनिंग ऑल इट्स प्रोडक्टिवनेस ड्यूरिंग दैट टाइम. आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन के बाद हर लाइक स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, समर है, स्टेप बाय स्टेप
डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हम अर्थ के ऊपर देखते हैं, और ये सारे सीजन्स क्या है, आपने देखा होगा विंटर्स में सब कुछ बिल्कुल डेड है, तो उसके जस्ट अपोजिट समर में सब कुछ कितना एक्टिव होता है। विंटर्स में सब लोग कितने पैसिव होते हैं और समर्स में सब लोग कितने एक्टिव हो जाते हैं। सो दिस मैसेज कैन बी जस्ट गेन एंड जस्ट दिस लेसन कैन बी जस्ट यू कैन से दिस लेसन इज बींग टॉट टू अस बाय अर्थ ऑल्सो द सेम इज पोएट इज कन्वेइंग टू अस वॉट इज सेइंग परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग कि जब हमें सब कुछ अर्थ पे क्या सीम होता है, क्या सीम्स होता है बेटा, डेड, जब सब कुछ बिल्कुल डेड लग रहा होता है, इट सीम्स एवरीथिंग इज डेड नाउ, बट इनसाइड दैट इज यू कैन से गेटिंग न्यू लाइफ। इसको हम बेटा एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लाइक you will just try to understand what the poet is conveying. Suppose this is the two fields are there. This is field A, field B. What we are trying to understand? We are trying to understand that how earth is very productive and how he has compared these lines to our, to us, to we human being. हम human beings से कैसे compare किया उसने? कि जिस तरह से आपने देखा होगा, सपोज एक ए फील्ड है और एक बी फील्ड है, इस ए फील्ड में हमने कुछ सीड्स ले डाला सॉइल और इसमें हमने कुछ सीड्स डाल दिए, और ये क्या है, इसमें कोई सीड्स नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, द लेटेंट सीड्स आर गोइंग टू कम विद द न्यू प्लांट, एंड हियर इफ देयर इज नथिंग देन देयर विल बी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर पोएट क्या बता रहा है, वी शुड बी इनएक्टिव। अब इनएक्टिव का मतलब ये है कि हमें थोड़ी देर का पॉज देना है अपनी लाइफ में, हमें कुछ अपने आप को एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना है। जब हम इंट्रोस्पेक्शन के दौरान उस ड्यूरेशन में कुछ हमारे दिमाग में जो आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, है ना, क्योंकि समथिंग वॉज गोइंग इन साइड, कुछ प्रोडक्टिव चल रहा था। लेकिन पोएट क्या कह रहा है कि अगर हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल ही हमने अपने आप को इनएक्टिव किया है, देन देयर इज नो गेन, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट ही इज जस्ट टेलिंग अस दैट वी शुड जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम अर्थ ऑल्सो, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड ऑन दिस अर्थ समथिंग इज अंडर प्रोसेस। अर्थ में क्या है, कुछ ना कुछ अंडर प्रोसेस होता है, और वो क्या है, अंडर प्रोसेस में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लाइफ, एक न्यू इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस। तो इसी बात को हमें पोएट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लेसन हमें किससे सीखना है, अर्थ से। यानी कि जब सब कुछ डेड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंत है, वो एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। जैसे जब कोई सर्कल हम आप देखते हैं, बेटा ये सर्कल है, तो दिस इज द What? If someone is going to say this is the end and someone is going to this is the beginning. तो वही चीज जिसे हम end समझ रहे हैं वो new beginning भी हो सकती है. So we have to be and we should be very positive about life and just introspect so that we can live in peace. There is this is the urge of the poet. ये poet urge कर रहा है that we man, we human should be also what, we should be progressive, we should be positive, and we should just leave all regressive aggressive and destructive ideas, because in this world we are just living with our brothers, and we should just spread the feeling of brotherhood, we should just live in this world with peace, and we should just leave all the destructive activities. Now what he says, now I will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. Now what the poet is saying ki wo abhi tak dekho usne hame pure poem mein samjhaya ki hame kya kya karna chahiye, we should live with peace, we should live with unity, we should just do the
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड वॉट वी शुड जस्ट डेवलप द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ ही हैज ऑलरेडी कन्वेड दैट मैसेज एंड दैट्स व्हाई व्हाट ही इज सेइंग नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट ही इज जस्ट लीविंग अस विद दिस आइडिया दैट वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोस्पेक्शन. ही विल जस्ट काउंट अप टू 12 and we will start introspection. It means we are going to observe our action, that whatever we are doing, that is good or bad. So he is just motivating us for the introspection, and he wants to develop and arise the feeling of brotherhood among the worldly people. So that was all about the poem. I think you all have understand this poem very well. So let's once have the revision of the poem through the extract based question. So I'm going to give you some extract based question. So let's do the extract based question which I have given here. Okay, so from this stanza, those who do nothing, what sort of wars are mentioned in the above lines? It means the poet is speaking about which type of war. It means war with green war, war with fire, war with gas. He is speaking about the same. Next question is, what kind of victory will it be? So it will be the victory without any survivor. So no one will be there to celebrate it. So it means such victory is going to be proved meaningless. Now next question is, how should the lovers of war behave? What the poet is saying, that what would be the behavior of the war lovers? So definitely they will repent about war and they will just put on clean clothes. Maine bataya bhi tha aapko that is going to start with the new beginning. So how they will behave? They will just put on clean clothes and walk under shades with the feeling of brotherhood. Now the question from the next stanza, what I want to death. The first question from this stanza is, what does the poet want and what should it not be confused with? It means, what does the poet want from us? The poet want from us that we should just keep quiet, we should just still for a while, we should be inactive for a while and just think about our actions. What should it not be confused with? He is just asking, this inactivity must not be confused with death, because he is not talking about death. His this line should not be confused with the death. He is not advocating to death. Is this clear? Next question, explain, I want no truck with death. Again the same, supposed to answer. The poet is saying that my words must not be confused, as he is talking about inactivity. So the word inactivity must not be taken as death. What he is saying, that he is not talking about death, he is not advocating to death. So his words must not be taken as death. Okay, as he is not associating, his words are not associating with death. Okay, almost the same answer. The question is changed, the language is changed. Now come to the next question. What do people pursue single-mindedly, and which is bitter course the poet suggests? Okay, so what is the answer, beta? The poet is saying people should pursue single-mindedly for keeping their lives moving. It means they must move ahead in their life. And which is the better course the poet suggests? The poet suggests that it would be better if they will just give some time to themselves. It means the poet is demanding that people need to give some time to themselves, and for once they will do nothing. So his suggestion is what? That we are in need of spending some time with ourselves. Now next question is, when can a use silence do us good? What is the question? When can a use silence
डू अस अ गुड. सो द पोएट इज सेइंग दैट अ ह्यूज साइलेंस कैन डू लॉट ऑफ गुड व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ और जस्ट थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ. एट दैट टाइम इफ वी विल जस्ट इंट्रोस्पेक्ट डेफिनेटली वी विल कम टू नो अबाउट आवर डिजायर थिंग्स दैट वॉट एक्चुअली वी वॉन्ट. ओके, बींग अ ह्यूमन बींग डेफिनेटली वी वॉन्ट हार्मनी पीस. ओके, सो दैट्स वाई दैट ह्यूज साइलेंस इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ टू आवर सेल्फ. हमें हमसे परिचित कराएगी ये साइलेंस. ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट परहैप्स टू आई गो दिस इज चेंजर. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द अर्थ टीच अस. सो यानी कि हमें धरती क्या सिखा रही है. सो द अर्थ टीचेज अस हाउ द फ्रेश लाइफ और यू कैन से दैट स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड थिंग्स. लाइक आपने देखा होगा डेड रिमेनिंग्स किस तरह से विंटर्स के बाद एकदम से स्प्रिंग आता है. जब सब कुछ डेड लग रहा होता है उसमें से क्या है एक नया जीवन फूटता है. तो यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहा है. व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड द अर्थ इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स अलाइव बिकॉज इट विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग इट गिव्स अस द मैसेज ऑफ न्यू लाइफ व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन what does the poet mean to achieve by counting up to 12. so the poet means to achieve positive thoughts positive ideas and by thinking up to counting 12. next what is the significance of keeping quiet. what is the significance of keeping quiet. yes, like keeping quiet is going to bring peace and harmony in our life because by keeping quiet we will just analyze what we actually want and what is the significance of peace and harmony in our life. next is what remains alive when everything seems dead. the poet is asking kya aapko jeevit lagta hai jab sab kuch jise keh sakte hain what remains alive when everything seems dead. the earth remains alive when everything seems dead. i think so this is the complete answer is there and you will go through to these question answer properly so that if there will be any query for you you can just drop it in the comment box or you can just drop your query in the WhatsApp group. okay, so thank you, have a good day, just keep learning and keep reading.